हेलो फ्रेंड। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, देखिए। सपोज करो ये कोई क्वायल है, इस तरीके से क्वायल है, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वायल है, ठीक है। तो अगर इस क्वायल में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस कॉइल से भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। अगर एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कॉइल से भी उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो इस करंट के प्रपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि जितना करंट फ्लो करेगा, उतना ही हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और हम पाते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ आता है, वो इस आई की लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। इस आई के लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू करंट आई। जब मैग्नेटिक फील्ड लीनियर प्रोपोर्शनल है, तो इस पूरे लूप से जो नेट फ्लक्स आएगा, वो भी तो लीनियर प्रोपोर्शनल बनेगा। इसको तो मैं कह सकता हूं, इस लूप से जो फ्लक्स लिंक करेगा, दिस इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू करंट आई। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सेल्फ के वजह से, खुद के करंट की वजह से जो फ्लक्स लिंक होगा, वो खुद के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे तुम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, ये कॉन्स्टेंट आता है, एल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनटू आई, एंड दिस एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। दिस एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे लिखेंगे वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। रुको, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, और आई क्या है? आई करंट फ्लोइंग फ्लोइंग इन सेम कॉइल। आपको ध्यान रखना, जब भी कोई कहे कि एक कॉइल है, उससे करंट आई फ्लो कर रहा है, उसमें कितना फ्लक्स लिंक करेगा खुद के करंट की वजह से, तो आप क्या कहोगे? एल आई, वेयर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस एंड फाई इज द फ्लक्स लिंक इन दैट कॉइल एंड आई इज करंट इन सेम कॉइल। लिख लो, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, आई इज करंट फ्लोइंग इन सेम कॉइल एंड फाई इज फ्लक्स लिंक विद सेम कॉइल। इसलिए अब चलो, अगर आप इस करंट को चेंज कर रहे हो, करंट को अगर चेंज कर रहे हो, तो क्या इस कॉयल से जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज होगा? हाँ, अगर आप इस आई को चेंज कर रहे हो, तो इस कॉयल से जो फ्लक्स लिंक होगा वो चेंज होगा, ऑफ कोर्स चेंज होगा। तो फारडे ने तो कहा था ना कि चाहे जिस रीजन से हो, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ डेवलप होगा। फारडे ने लॉ दिया, तो फारडे ने कहा कि चाहे जिस रीजन से हो, अगर इस कॉयल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ डेवलप होगा। और उस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी, वो कुछ और नहीं, डी फाई बाई डी टी होगी। तो डिफरेंशिएट कर दो, माइनस डी फाई बाई डी टी, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड दिस वन इज मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी, तो एल लगा के मॉड लगा देंगे डी आई बाई डी टी, दिस वन इज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला मैंने इंपॉर्टेंट बताया, ये कि किसी भी क्वाइल्स में अगर खुद का करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे फ्लक्स लिंक होगा, उसकी वैल्यू एल आई के बराबर होगी। और उस क्वाइल में जो नेट ईएमएफ डेवलप होगा, वो एल डी आई डी बराबर होगा। और ये जो ईएमएफ आएगा, उस करंट को अपोज करेगा, खुद के करंट को अपोज करेगा। खुद का करंट अगर इंक्रीज कर रहा है, तो ये ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ
उसी करंट को अपोज करेगा ताकि जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था वो ना इंक्रीज कर पाए। रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को दोबारा, लिखा होगा आपने ईएमएफ एलडीआरबीटी, इसमें लगी लाइन लिखेंगे, व्हेन करंट इंक्रीजेस फ्लक्स इन सेम लूप इंक्रीजेस देन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ पोलैरिटी विल बी एज इट अपोज इंक्रीज ऑफ करंट, इंक्रीज ऑफ सेल्फ करंट, खुद के करंट को इंक्रीज को अपोज करेगा। और अगर मान लो करंट घट रहा होता तो उसको बढ़ाने की कोशिश करता, बस इसी कॉन्सेप्ट लगाना है कि लेंज ला है, उसको इससे क्या मतलब है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसको पता है कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ मैं इस सेंस में लाऊंगा ताकि फ्लक्स का इंक्रीज को मैं अपोज कर सकूं। ठीक है ओके, तो आपको ये दो पॉइंट याद करना, एक ये और एक ये। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सोलेनाइड का इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड अगली हेडिंग है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, एक सोलेनाइड का उसका इंडक्टेंस। ठीक है ओके, तो देखिए मान लो सोलेनाइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है और करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक सोलेनाइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए के बराबर है और लेंथ एल के बराबर है रॉड का। ये सोलेनाइड है, इसका लेंथ एल के बराबर है और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इट इज कैपिटल ए और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न है वो स्मॉल एन के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका क्या, जैसे इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड या डिफॉल्ट केस में बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, दोनों एक ही चीज है। सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या इंडक्टेंस बोले, हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं बता रहा था कि ये सोलेनाइड है, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ स्मॉल एम है, लेंथ एल है, इधर से करंट आई जा रहा है, इधर से करंट आई आ रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि स्टेप्स बता रहा हूं, कभी भी अगर आपसे पूछे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, सिर्फ सोलेनाइड किसी भी चीज का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व। फर्स्ट काम क्या करना है आपको, करंट आई फ्लो करवाएंगे, फ्लो करंट आई, आई फ्लो करवाइए, फिर क्या करिए फ्लक्स कैलकुलेट करिए विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया या बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, इसके सहायता से फ्लक्स निकालिए। एंड थर्ड क्या करिए, इस फ्लक्स को एल इंटू आई के बराबर कर दीजिए, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, एल कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है। यहां मैंने क्या करंट आई फ्लो करवाया, इसमें फ्लक्स निकालना है। तो ये जो सोलेनाइड है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई। अब मैं पूछूं कि एक क्वाइल से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, ऐसे बहुत सारे क्वाइल्स हैं, एक क्वाइल का फ्लक्स क्या होगा, अंडरलाइन है वन क्वाइल, वन क्वाइल का फ्लक्स क्या होगा, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया, एक क्वाइल का फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड बी में एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल फ्लक्स क्या होगा, कितने नंबर ऑफ टर्न है उसको मल्टीप्लाई कर दें एक फ्लक्स में, एक क्वाइल का फ्लक्स बी इंटू एरिया होगा और ऐसे कितने टर्न है मल्टीप्लाई कर दो, क्या टोटल फ्लक्स आप सोलेनाइड आ जाएगा, हाँ टोटल फ्लक्स क्या होगा, हर क्वाइल के फ्लक्स को ऐड कर दो, दिस वन इज द टोटल फ्लक्स। तो नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न, व्हाट इज स्मॉल एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दिस वन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ एल है तो टोटल टर्न क्या हो गया, स्मॉल एन इंटू एल हो गया, ये टोटल टर्न हो गया। अब फाई वन क्या है, एक टर्न का फ्लक्स है बी इंटू ए और एन इंटू एल किया, अब मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट एन आई प्लेस कर दो, म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू एरिया, इससे क्या हो गया
म्यू नॉट। अच्छा ये एन इस एन से मतलब होगा तो एन स्क्वायर बनेगा, और ये आई है और फिर ए इंटू एल इंटू आई ये बनेगा, और इसी फ्लक्स का लिखना है एल आई लिखना है, एल आई को डबल कर देंगे, आई से आई कट गया, एल को लू क्या आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अच्छा व्हाट इज ए इंटू एल, ये क्या है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल क्या है इसका लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है एल इसका लेंथ है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोलेनाइड। इस सोलेनाइड का बेसिकली इस सोलेनाइड का वॉल्यूम आ गया कितना ए इंटू एल। तो अगर ए एल को मैं यहां भेज दूं तो एल अपॉन ए एल की वैल्यू क्या आएगी, दिस वन इज म्यू नॉट एन स्क्वायर। तो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस पर रूट वॉल्यूम इज म्यू नॉट एन स्क्वायर। अब इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ठीक है आप उसको ध्यान रखेंगे यहीं पे। ठीक है तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, आप याद रखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस पर वॉल्यूम, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनाइड या टॉराइड लिख लो, टॉराइड जो टॉराइड सर्कुलर होता है एकदम सेम आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये ध्यान रखना। अच्छा म्यू नॉट एन स्क्वायर इसी को कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे वैक्यूम के लिए, जब सोलोनाइड के अंदर वैक्यूम है, बट ये फॉर्मूला कब लगाएंगे जब सोलोनाइड के अंदर परमेबल मीडियम है, व्हेन अ मीडियम इनसाइड सोलेनाइड। और व्हाट इज म्यू आर, म्यू आर इज रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी परमिबिलिटी दिस वन इज इक्वल टू म्यू आर, और ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट के बराबर, वेयर म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू इज परमिबिलिटी ऑफ मीडियम विच इज प्लेस इन साइड दिस सोलेनाइड एंड म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके तो जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि सेल्फ इंडक्टेंस बताइए सोलेनाइड का, तो आप इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर या म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन स्क्वायर, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे नेट आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। क्वेश्चन करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन कह रहा है एक सोलेनाइड है जिसका लेंथ एल के बराबर है और सेल्फ इंडक्टेंस एल नॉट के बराबर है, ठीक है। अब आज क्या हुआ कि सोलेनाइड मेरे हाथ में था, यही सोलेनाइड इस पे वायर लपेटा हुआ है, और वायर क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनसे चिपका चिपका करके गए होते हैं, क्लोजली पैक्ड वायर है, लेंथ एल के बराबर है, सेल्फ इंडक्टेंस एल नॉट है, अचानक से हाथ से छूट गया, जब छूटा हाथ से तो ये दो भाग में ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया। तो अब मैंने कहा कि अब क्या करूं, वायर तो ब्रेक किया नहीं, वायर तो ब्रेक किया नहीं, ये रॉड ब्रेक कर गया, तो मैंने क्या किया कि ठीक है इसको फेंक दिया और आधा रहने दिया, हाफ रहने दिया, और हाफ वाले पे मैंने उसी वायर को लपेट दिया, लपेट दिया। तो जब उसी वायर को लपेटोगे तो नंबर ऑफ टर्न तो वही रह जाएगा, बस इस केस में क्या था कि हल्का सा थोड़ा दूर दूर होगा तो टोटल एन टर्न है, इस वाले केस में क्या होगा उसी एकदम क्लोजली टाइट एक दूसरे के ऊपर ऐसे कर करके बांध दिया, ठीक है तो हाफ हो गया। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि द फर्स्ट सोलेनाइड इज ब्रोकन इन टू इक्वल पार्ट्स एंड आफ्टर दैट द सेम वायर इज रैप्ड ऑन दिस हाफ लेंथ,
एंड इसके बाद मैंने क्या किया, एक रॉड है देखो, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे ना, वो एक रॉड उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, एक रॉड इसके अंदर इंसर्ट कर लिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 के बराबर है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 के बराबर था, उसके अंदर ये था सोलेनोइड, उसी के अंदर एक रॉड को इंसर्ट कर दिया ऐसे, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 के बराबर है, और इसके ऊपर वही वायर लपेट दिया। तो फिर आगे लिखिए, एंड एंड अ रॉड ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2 इज इंसर्टेड इनसाइड सोलेनोइड, फाइंड न्यू सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो चलिए बताता हूँ, इसका एरिया आप ये मान लीजिए, तो एल नॉट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ इज स्मॉल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न तो एन मानेंगे, मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर, लेकिन कहाँ, वैक्यूम में, यहाँ तो वैक्यूम है, तो एल नॉट बराबर क्या लिखेंगे, एल नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, वट इज स्मॉल एन, स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, तो कैपिटल एन डिवाइड बाई एल इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न इज एन एंड लेंथ इज एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन एंड लेंथ इज एल, देन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, लिख लिया। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, अब वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन ए है और ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, तो इस पूरे का वॉल्यूम क्या आएगा, ए इंटू एल। क्वेश्चन नंबर वन, अब ये काम मैं यहाँ करूँगा, एल अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम अच्छा इसका वॉल्यूम कितना आएगा, अगर एरिया तभी भी वही है बट लेंथ एल बाई टू हो गया, तो क्या लिखेंगे, एरिया इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू, अब तो जो फॉर्मूला रॉड आ गया ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मीडियम आ गया, तो म्यू नॉट, अब म्यू आर किसके बराबर है, टू, तो टू रख दो, एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो जो नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न तो एन ही रह गए, यार वायर तो उतना ही था जितना पहले था, उसी वायर को लपेटना है उसी रेडियस पे, तो चाहे बड़े लेंथ पे लपेट होता है, छोटे छोटे लेंथ पे लपेट होता है, नंबर ऑफ टर्न इज अप्रोक्सीमेट सेम। हाँ वो थोड़ा सा कर्व की वजह से होगा, बट क्या करना है इसमें ना, आधे वाले केस में, इस केस में मान लो बड़े वाले केस में क्लोजली पैक्ड है, सटा सटा करता हुआ, और आधे वाले केस में क्या करो, आधे वाले केस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे बाइंड कर दो, और थिकनेस 10^0 मान लो, जीरो मान लो, तो नंबर ऑफ टर्न जो वहां था वही यहाँ पर रहेगा, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई लेंथ क्या है, एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी, दिस वन इज, तो ये टू म्यू नॉट, टू म्यू नॉट इंटू ए एल बाई टू, इसको मैंने इधर भेज दिया, यहाँ से क्या आएगा, और ये टू का टर्म स्क्वायर बन के ऊपर आ जाएगा, दिस वन इज द फोर, और बनेगा क्या, एन अपान एल बन जाएगा। अब इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर दिया, तो एल अपान एल नॉट इज, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन वन है, डिवाइड कर दिया, तो एल अपान एल नॉट इक्वल टू, देखना म्यू नॉट ए और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एन अपान एल भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, टू का टर्म कटेगा, बचेगा फोर, रेशियो फोर बन जाएगा, कोई पूछे एल कितना आएगा, तो आंसर इज फोर एल नॉट, इसका मतलब कि नए कॉयल का सेल्फ इंडक्टेंस पहले कॉयल का 4 टाइम्स हो गया। ओके, तो जब भी अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सोलेनाइड दे, चाहे वो आपको टॉराइड दे, और आपसे अगर पूछता है कि सेल्फ इंडक्टेंस बताइए, देन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला टू फाइंड योर आंसर्स। ओके, यहाँ से मुझे एक बात समझ में और आ गई, वो ये कि मान लो एक रॉड है, अगर ये लेंथ नहीं टूटा होता, अगर ये लेंथ नहीं टूटा होता, ये लेंथ यही रहता, और तब कोई पूछता है कि एक रॉड इंसर्ट कर दिया, कितना हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, तो म्यू टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, कुछ समझ में क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो यही सोलेनोइड है, इस तरीके से इसके अंदर एल है, और इसमें किसी ने क्या किया, एक रॉड इंसर्ट कर दिया म्यू आर, फिर तो पूछे इसका इंडक्टेंस क्या हो गया, तो मैंने कहा म्यू आर टाइम्स ऑफ इनिशियल, अगर एल नॉट है तो एल नॉट म्यू आर टाइम्स बढ़ गया, इसको भी आप अलग से ध्यान रखें, आप लिख लीजिए इसको अलग से, इसको आप अलग से लिख लीजिए,
ये कि अगर कोई इंडक्टर ऐसे, इसका इंडक्टेंस एल नॉट है और इसमें किसी ने रॉड इंसर्ट कर दिया, किसी ने इसमें एक रॉड इंसर्ट कर दिया ऐसे, उसके बाद इसके ऊपर एक कॉयल लगा दो, ऐसे एक कॉयल लगा दो, तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस एल आएगा, दिस इज म्यूआ टाइम्स ऑफ एल नॉट हो जाएगा। अगर इस रॉड का रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है, दैट इस चीज को ध्यान रखना, अलग से कॉपी कर लीजिए जो कि क्वेश्चन से काम आएगा। अब एक और बताता है, ये जो इंडक्टर है ना, जो मैंने दिखाया इस इंडक्टर को, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे ये सोलेनाइड हो या टॉराइड हो, टॉराइड ऐसा होता है, नेगेटिव फिल्म पढ़ाया था ना, टॉराइड ऐसा होता है, इसको भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नहीं कि ऐसा बना। तो कोई भी इंडक्टर कॉइल हो या सोलनॉइड हो या टॉराइड हो, स्पेशली सोलनॉइड टॉराइड यूज किया जाता है, या एक सिंगल भी कॉइल हो, उसको भी जब कैलकुलेशन में लिखना होगा, कैलकुलेशन में तुम ऐसे ही दिखाना, ऐसे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर, इस पे एल लिख देना। तो अब आते हैं, एक चीज तो ये हुआ, मैंने इसको लिख दिया, इंडक्टर को आप ऐसे दिखाएंगे, इंडक्टर को आप ऐसे दिखाएंगे, ये रिप्रेजेंटेशन एल लिखा जाता है। इसमें करंट अगर कोई आई फ्लो करवा दे, आई, तो कोई पूछे कि इस इंडक्टर में कितने का फ्लक्स है, तो आप फ्लक्स लिखेंगे एल इंटू आई, कॉपी कर लीजिएगा इसको, एल इंटू आई। अगर कोई पूछे कि इस इंडक्टर कॉइल पे ईएमएफ कितना डेवलप होगा, तो दिस इज एल मॉड ऑफ डी आई बाई डी टी, कितने का डेवलप होगा। ओके, अब बात करते हैं इंडक्टर की एनर्जी की, यहीं पे मैं यही लिख ले रहा हूँ, इंडक्टर एनर्जी, फिर यहाँ पे कॉपी कर दूंगा याद करने के लिए। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ये पहला है, ये दूसरा है, एनर्जी ऑफ इंडक्टर कॉइल। तो देखो, इंडक्टर कॉइल बेसिकली किस लिए यूज होता है, इंडक्टर कॉइल आइडियल केस में रजिस्टर नहीं होता, उसके अंदर कोई रजिस्टेंस नहीं होता। तो इंडक्टर कॉइल इज यूज टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी एंड बिहेव एज लाइक अ बैटरी। तो ये जो इंडक्टर है, अगर मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा होता और आई ऐसे फ्लो कर रहा और आई इंक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लेंज ला, अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं तो मैं इसको ऐसे दिखाऊं, अगर करंट इंक्रीज कर रहा होता तो ऐसे दिखाता, क्योंकि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है आई, और आई इंक्रीज कर रहा है, तो ये बैटरी इसको अपोज करने के लिए ऐसे आएगी, और इसका ईएमएफ किस बराबर होगा, ये होगा एल डी आई बाई डी टी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ इज एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ इज एल डी आई बाई डी टी। तो ये बैटरी है ना, अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ बैटरी का पावर क्या होता है। अच्छा, ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है ना, करंट देखो उसके तरफ जा रहा है, चार्ज हो रही है, तो ये बैटरी किस रेट से चार्ज हो रही है, तो उसी रेट से एनर्जी स्टोर कर रही है। तो ड्यू बाई डी टी इज द रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इज ई एम एफ इंटू आई, वी इंटू आई होता है ना, बैटरी का पावर क्या होता है, ई एम एफ इंटू आई, इस ई एम एफ को आई मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, एल आई डी आई बाई डीटी। अच्छा देखो, इस डीटी से ईडीटी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी से डीवी की वैल्यू क्या आ गई, एल आई डी आई बन गया। नाउ इंटीग्रेशन, मान लो इंडक्टर में इनिशियली कोई करंट नहीं था, करंट जीरो था, इस इंडक्टर में इनिशियली कोई करंट नहीं था, अब बाद में करंट आई हो गया, तो एनर्जी क्या आएगी, आई डी आई कंट्रोल आई स्क्वायर बाई टू, तो क्या बनेगा, वन बाई टू एल आई स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। तो करंट होगा तो हम उसमें मानेंगे कि एनर्जी है, और करंट नहीं होगा तो हम मानेंगे उसमें एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान देना है।
ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिमिलरली इसको भी। इसके बाद कभी मैं अगर बोलता हूँ कि इंडक्टर की एनर्जी कितनी है, तुम क्या कहोगे? सर हाफ एल आई स्क्वायर। मैं पूछता हूँ इंडक्टर में कितना फ्लक्स है, तुम क्या कहोगे? सर एल आई। मैं कहूँगा कि इंडक्टर का ईएमएफ कितना है, तुम कहोगे एल डी आई बाई डीटी। ओके, चलिए अब हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्टर, सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला केस मैंने ऐसे माना कि ई इंडक्टर है, करंट आई जो है वो इंक्रीजिंग है, करंट आई इंक्रीजिंग है, करंट आई इंक्रीजिंग है। तो एक इंडक्टर है ऐसा तो इसमें एक इंडक्टर मैंने ऐसे बना दिया, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आई इंक्रीजिंग है, सेल्फ इंडक्टेंस एल है। तो तुम इसको कैसे दिखाओगे? तो करंट आई इंक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट को कम करने के लिए बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी इस डायरेक्शन में कर देगा। तो ये ऐसे बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। और आप किरचॉफ के सारे लॉ लगा सकते हो, तो इस इंडक्टर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, अगर आई डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है इसी सर्किट में, आई डिक्रीजिंग है मान लो, तो इसी पे मैं दिखा रहा हूँ कि आई डिक्रीजिंग है, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओगे इसी का, वो ऐसे बनाओगे, क्योंकि आई डिक्रीज कर रहा है तो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इस पे लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी। अगर आई कांस्टेंट है, ना डिक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है, ये जो इंडक्टर है ना, जो इंडक्टर ऐसे दिखा रहे हो, ये जो इंडक्टर है इसको एक कंडक्टिंग वायर बना देना और करंट आई दिखा देना। क्यों भाई? आई कांस्टेंट है तो डी बाई टी जीरो हो गया, जीरो हो गया मतलब ईएमएफ जीरो हो गया, ईएमएफ जीरो हो गया इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका क्या गया, जीरो, इसका मतलब एक स्ट्रेट वायर बन गया, एक कंडक्टिंग वायर बन गया, कंडक्टिंग वायर, दिस वन इज द कंडक्टिंग वायर। तो आई इंक्रीजिंग है, आई डिक्रीजिंग है, आई कांस्टेंट। अच्छा, अगर नहीं दिया गया हो, सपोज करो देर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ आई, नो इंफॉर्मेशन ऑफ आई कि आई घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? तो इस इंडक्टर कॉइल को डिफॉल्ट केस में क्या करेंगे, इंक्रीजिंग मानते हुए इस तरीके के किसे डायग्राम बनाएंगे, लिख देंगे एल डी आई बाई डी टी। मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी कि पोलैरिटी इधर आएगी कि इधर आएगी। तो अगर करंट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि करंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है, तो फिर तुम ऐसे बना दो, ये तीनों पार्ट ना इस चीज का सबसेट होंगे, सब इससे से हो जाएंगे। अगर आई कांस्टेंट है तो जीरो हो गया कंडक्टिंग वायर, आई इंक्रीज कर रहा है तो ये ऐसे ही बनेगा, आई डिक्रीज कर रहा है तो डी बाई टी निगेटिव आएगा ना, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन बताएगा कि ये पार्टी प्रॉपर्टी इधर होगी और निगेटिव प्रॉपर्टी इधर होगी। ओके, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक इजी क्वेश्चन है, एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, कैपेसिटर है,
और एक इंडक्टर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कह रहा है कि इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, ये 10 ओम का है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कैपेसिटेंस इसका 10 माइक्रो फैरड है और इस प्लेट पे जो चार्ज है क्यू वो 20 माइक्रो कूलम्ब है और इसका इंडक्टेंस 10 हेनरी है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दिस इज 2 एम्पियर। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन सपोज डी आई बाई डी टी करेंट इंक्रीज करने का जो रेट है वो 2 एम्पियर पर सेकेंड है, एम्पियर पर सेकेंड। देन फाइंड वी ए माइनस वी बी, मतलब पॉइंट ए के पोटेंशियल में से पॉइंट बी का पोटेंशियल घटाइए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सपोज डी आई बाई डी टी माइनस 4 एम्पियर पर सेकेंड है, देन फाइंड वी ए माइनस वी बी। अब इसको सॉल्व कर, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस इंडक्टर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, 10 हेनरी का है तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, बेकार में नया डायग्राम बनाने टाइम लगेगा। तो इस इंडक्टर को मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको करंट डीआईटी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो करंट इधर इंक्रीज कर रहा है। देखो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ही है, तो करंट अगर इधर इंक्रीज कर रहा है तो उसे घटाने की कोशिश करेगा, तो इसकी हाई पोलैरिटी उल्टी ऐसे बन जाएगी। और इस पे क्या लिख देंगे, एल डीआईटी, एल किसके बराबर है 10 और डीआईटी 2 है, मल्टीप्लाई कर दो आ गया 20। अब लिखेंगे किरचॉफ का लॉ, वी ए माइनस वी बी, याद है तुम्हें कि यहाँ के इसके बीच का पोटेंशियल निकालने के लिए अभी पूरा पूरा क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिसिटी का बन गया, सीधे ऐसे मूव कर जाओ आंसर आ जाएगा। इधर जाते समय अगर बैटरी के पॉजिटिव टच करोगे तो प्लस लिखो, नेगेटिव टच करोगे माइनस लिखो, करंट डायरेक्शन जा रहा हो प्लस लिखो, अपोजिट जा रहा हो माइनस लिखो, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे। तो जब तुम ऐसे चलोगे तो क्या बैटरी के प्लस प्लेट को पहले टच करोगे, हाँ बैटरी के प्लस प्लेट्स को पहले टच कर रहा है, तो क्या लिखोगे प्लस 10। और रजिस्टर में क्या तुम करंट डायरेक्शन जा रहे हो, हाँ रजिस्टर में करंट डायरेक्शन जा रहे हो, हाँ क्या लिखो आई इंटू आर, और आई किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 2 इंटू आर। अब आके फिर इसमें आके कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को टच किए, नेगेटिव को क्या लिखो माइनस क्यू बाई सी, तो माइनस क्यू किसके बराबर है 20 और सी किसके बराबर है 10, क्यू बराबर है 20 और सी बराबर है 10 के। और फिर ऐसे आके बैटरी के नेगेटिव टच किया, नेगेटिव को क्या लिखें माइनस, आई एम एफ का मैग्नीट्यूड क्या है 20, लिखेंगे माइनस 20 आ गया एंड दिस वन इज आंसर। क्योंकि जब एक बार आप यहाँ पर आ गया तो बी तक पहुँच गया, ये पूरी वैल्यू क्या आ गई देखिए, इस 20 को ये 20 कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ से 10 यहाँ से 10, गुड आंसर इज, यहाँ से आएगा 10 का मतलब 2 आएगा ना 10, तो आंसर इज 8, 8 वोल्टिंग आंसर्स। सेकेंड क्वेश्चन हम सेम काम करेंगे बी ए माइनस वी बी, लेकिन इसमें बस फर्क ये होगा कि ये माइनस फोर्स है ना बीएबिलिटी, मतलब करंट घट रहा है, तो करंट घट रहा है इस सर्किट में, इसका मतलब कि बैटरी क्या करेगा करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश में बैटरी अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगी, ऐसे हो जाएगी। वन सेकेंड, हमने मिस्टेक कर दिया, पहले वाले क्वेश्चन में करंट इंक्रीज कर रहा था, तो इंक्रीज कर रहा इधर ना, तो बढ़ाने के लिए बैटरी इधर करंट फ्लो करवाएगा, इधर फ्लो करवाएगा, तो ये पॉजिटिव इधर आएगा, ये प्लस 20 आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा ये 20 20 40 और ये 10 50 में से 2 घटेगा, ये बनेगा 48 आएगा। समझ रहे हो क्यों, करंट इधर इंक्रीज कर रहा है,
करंट अगर यूजर इंक्रीज कर रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो बैटरी की हाई प्रायोरिटी इधर आएगी ना, ये मैं फर इंडक्टर की हाई प्रायोरिटी जब इधर आएगी तब तक करंट उल्टा फ्लो कराएगा, घटाने की कोशिश करेगा। ओके अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, -4 है ये डिक्रीज कर रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि करंट डिक्रीज कर रहा है, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है इधर तो बैटरी क्या चाहिए, करंट उधर ही फ्लो करवा दे ताकि करंट को डिक्रीज होने से रोका जा सके, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो बैटरी क्या करेगी, अपनी हाई प्रायोरिटी, बैटरी क्या करेगी अपनी हाई प्रायोरिटी को चेंज कर देगी, ऐसे बना देगा और आएगा एल डी बाई डी टी, तो 4 के बराबर है, एल 10 है ये 4 है, कितना आ गया 40, बट मैग्नीट्यूड लिखेंगे याद करो, अभी मैग्नीट्यूड लिखवा दे दिखाया तो करंट डिक्रीज कर रहा है, अच्छा यहाँ पे मॉड रहेगा, फिर कर रहा हूँ आई डिक्रीज कर रहा है तो मॉड लगेगा, इंक्रीज कर रहा है तो मॉड की जरूरत ही नहीं, वो तो डिफरेंस वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे तो ऐसे रहा, मॉड लगा दिया यहाँ पे तो +40 आ गया। अब लिखेंगे अगर ऐसे में बढ़ो तो +10, इसमें करंट के डायरेक्शन में तो 2 × i, यहाँ नेगेटिव टच किया तो -Q/C, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट को पहले टच किया तो -40, तो यहाँ से क्या आएगा 30, 30 से 30 में से 40 घटा, -10 और -2 वैल्यू इज -32, तो आंसर है 10। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बिहेवियर ऑफ इंडक्टर।